अब देखिए मोतिहारी जिला के सिकरानंद मंडल के ढाका थाना क्षेत्र के गांधी चौक के अधीन आज महावीर झंडा और महावीर झंडा को लेकर ढाका थाना क्षेत्र के जितने भी हिंदू सनातनी लोग हैं सभी हाथों में जय श्री राम का ध्वज लेते हुए माथे पर पट्टी लगाकर हाथों में अस्त्र अस्त लेकर ढाका गांधी चौक पर जनसैलाब घूम रहा है। यह जनसैलाब देखिए यह जनसैलाब ढाका को एक अलग दृश्य देता है, लोगों को भाईचारा का संदेश देता है कि देखिए शांति से महावीर झंडा का जुलूस निकाला जा रहा है और लोग खूब जय श्री राम और जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए ढाका गांधी चौक में ढाका को ढाका गांधी चौक पे 5 फेरा लगाते हैं। देखिए यह फेरा लगाने का गतिविधि स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं ढाका गांधी चौक चंदू ढाका का जो झंडा है सबका आगे है और धीरे धीरे जितने भी झंडा है धीरे धीरे उनके साथ सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या दृश्य देखिए, यह दृश्य काफी मनमोहक दृश्य है और जितने भी लोग हैं अभी काफी अच्छे से यह महावीर झंडा मना रहे हैं और लोग जय श्री राम जय बजरंगबली और जय श्री राम का ध्वज लेकर हाथों में झंडा लेकर और नारा लगाते हुए लाठी भांजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़कर लोग यहाँ पर बजरंगबली महावीर झंडा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। जैसा कि दृश्य ढाका गांधी चौक को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ढाका थाना क्षेत्र के प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, सभी लोग एक एक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई चूक ना हो जाए सभी गतिविधि पर अपना नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि दृश्य देख सकते हैं कि ढाका थाना प्रशासन के लोग भी इस चीज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है कि कहीं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, कोई मतभेद ना हो, इसलिए सभी लोग ढाका थाना के सभी प्रशासन और खासकर थाना प्रभारी अभिनंदन कुमार सिंह यहाँ पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं और सभी जगह नियंत्रण कक्ष बनाकर लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं।